हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएच चैटबाज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को ख़राब होने से, डैमेज होने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपने मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं और उनमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है ज़्यादा एमबी की होती है और उससे आपके मोबाइल की है ना स्टोरेज फुल हो जाती है। या दोस्तों, जब आपके मोबाइल स्टोरेज फुल हो जाती है तो आपके मोबाइल खराबी और डैमेज होने के चांस बढ़ते जाते हैं और आपका मोबाइल बाई चांस खराब भी हो जाता है। ज़्यादा स्टोरेज फुल होने के बाद आपका मोबाइल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बचा सकेंगे और आप अपने मोबाइल को सही तरह से चला सकेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप अपने मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन है, आप कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक एप्लीकेशन के अंदर आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज करते हैं आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं और आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कमाल का वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप भी सीखना चाहते हो, इस ट्रिक के बारे में आप भी जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक के ऊपर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना और लाइक तो करना भूले ही नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उस एप्लीकेशन को और आपको फिर बताऊँगा ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कैसे करनी होगी और इस एप्लीकेशन की क्या क्या सेटिंग है और इस एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो सिंपली मैं मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन दे देनी होगी। परमिशन देने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितनी एप्लीकेशन है। आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप यहीं से यूज कर सकते हैं और अपने मोबाइल की स्टोरेज फुल होने से बचा सकते हैं। साथ में दोस्तों, और भी इसकी कुछ एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन उनके बारे में बताता हूँ। तो आपको करना क्या है, कोने में जो डॉटर के तीन बिंदु है इन पर टच करना होगा। जैसे इस पर टच करेंगे उसके बाद आपको करना क्या होगा, ऑल सोशल मीडिया पर टच कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट है, जितनी भी एप्लीकेशन है, टोटल आ चुके हैं। जैसे कि आपका फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है और आप इंस्टाग्राम है, बहुत सारे स्नैपचैट वगैरह बहुत सारे, इसमें टोटल जितनी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है टोटल आ चुकी हैं। साथ में दोस्तों, और भी एप्लीकेशन है, तो चलिए हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ से दूसरी दोबारा से हम जाएंगे त्रिबिंदु पे और वहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल वर्ल्ड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के जितने भी न्यूज़ चैनल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा में देखने हो। आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी, डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, बैक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर त्रिबिंदु पे दोबारा से जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ऑल शॉपिंग, देख लीजिए ऑल शॉपिंग पर जैसे टच करेंगे तो आपके जितनी शॉपिंग करने वाली एप्लीकेशन आ गए हैं, जैसे अमेजन है, आपका फ्लिपकार्ट है और मंत्र है, बहुत सारे जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग के होते हैं, टोटल सारे एप्लीकेशन आ गए हैं। अब आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका ये 5 MB का एप्लीकेशन आपके टोटल सारी एप्लीकेशनों को अपने अंदर लेके आया है, तो एक ये स्मार्ट एप्लीकेशन आपके मोबाइल को बचा सकता है। तो दोस्तों, आप यहां से यूज कीजिए। मुझे तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक भी करना। तो दोस्तों, चलिए हम अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन हमें डाउनलोड कैसे करना होगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका नाम है स्मार्ट किट 360। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद कुछ परमिशन मांगे, परमिशन देने के बाद आप इसे यूज